नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक फ्रेश वीडियो फ्रेश एपिसोड के अंदर। आज मैं हूँ ओरोविल के अंदर और यहाँ से जा रहा हूँ मैं पौंडीचेरी के लिए। पौंडीचेरी जाने के लिए मैंने सादिक भाई को बोला तो उन्होंने मुझे ड्रॉप करने के लिए हाँ बोल दी। और ओरोविल से पौंडीचेरी कुछ 7 या 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है तो हम निकल पड़े। हमने सोचा कि पौंडीचेरी जाने से पहले हम ओरोविल बेकरी में एक बार ब्रेकफास्ट कर लें, तो हम वहाँ पहुँच गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो हमने ऑर्डर कर दिया था इडली और वड़ा और साथ में मेरे लिए चाय और उनके लिए ब्लैक कॉफ़ी। उसके अलावा हम इधर उधर देखते हुए बातें करते हुए और काफ़ी सारे नए लोगों से मिलते हुए भी ब्रेकफास्ट करने लगे। यहाँ काफ़ी सारे हमने दोस्त बनाए, काफ़ी सारे लोगों से हम मिल चुके थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल चुका था पौंडीचेरी के लिए। पौंडीचेरी में सादिक भाई मुझे ड्रॉप करके फिर से अपने घर ओरोविल चले गए और मैं निकल पड़ा व्हाइट टाउन का टूर करने के लिए। हाँ जी, अभी मैं हूँ व्हाइट टाउन में। यहाँ के घर और यहाँ की जो गलियाँ हैं वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी पुरानी हैं। यहाँ पे ज़्यादातर पुर्तगाल टाइम की हिस्ट्री है, तो यहाँ पे काफ़ी जो घर दिखेंगे वो पुराने फ्रेंच स्टाइल में और पुर्तगाल स्टाइल में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मैं टेम्पल की तरफ निकल गया जहाँ विनायक टेम्पल है। विनायक टेम्पल जाते हुए मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी सारे फूल माला वाले, काफ़ी शॉप वाले और काफ़ी तरह के फूल माला और शॉप जो होती हैं वैसी दुकानें बनी हुई थी। उसके बाद मैं जब टेंपल पहुंचा तो मैंने वहाँ का आर्किटेक्ट देखा, वहाँ की पेंटिंग देखी, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई और काफ़ी अच्छा और काफ़ी मनोरम दृश्य था और काफ़ी वाइब थी वहाँ पे, पॉजिटिव वाइब थी। मंदिर के अंदर मैं दर्शन करके आया, मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए मैंने अंदर का शूट नहीं किया, तो मैं आपके लिए बाहर से ही मंदिर को दिखा देता हूँ। यहाँ पे लक्ष्मी नाम की पहले एक हाथी रहती थी जिसकी रिसेंटली ही डेथ हो गई थी। वो लोगों को आशीर्वाद देती थी और उसके अब उसकी जगह पे जहाँ पे वो खड़ी रहती थी वहाँ पे एक उसका ट्रिब्यूट के लिए एक छोटा सा प्लेस बनाया गया है। उसके अलावा यहाँ से चलते हुए मैं निकल पड़ा था बीच की तरफ, पौंडीचेरी बीच की तरफ। वहाँ जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना म्यूज़ियम, पौंडीचेरी म्यूज़ियम और पौंडीचेरी जो गार्डन है उसकी तरफ भी थोड़ा देख लिया जाए, घूम लिया जाए। तो मैं निकल पड़ा था पौंडीचेरी का म्यूज़ियम देखने। पौंडीचेरी के म्यूज़ियम में पुराने जितने भी बहुत सालों वर्ष पूरे जो हैंडीक्राफ्ट्स थे और जो पुरानी कलाकृतियाँ थी, पत्थर वगैरह, स्क्रिप्चर वगैरह, वो सारे वहाँ पे पड़े हुए थे। इसके अंदर भी कैमरा अलाउ नहीं था तो मैं अंदर कैमरा लेके नहीं गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं चल पड़ा था एक छोटे से गार्डन के अंदर जहाँ पे एक छोटा सा टॉम बना हुआ था, एक कहा जाए तो एक छोटा सा शहीदों की स्मृति में जो बनाया जाता है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वैसा एक टॉम बना हुआ था। और उसके अलावा फिर मैं वहाँ से निकल पड़ा था बीच की तरफ। बीच की तरफ मैं जब गया तो महात्मा गांधी मेमोरियल के पास में मुझे देखा कि कुछ स्कूल के बच्चे जो आने वाला रिपब्लिक डे है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं भी वहाँ पर पहुँच गया और रिपब्लिक डे की प्रिपरेशन के मनोरम दृश्य का आनंद उठाने लगा। वहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद मैंने देखा वॉच टावर है, वॉच टावर कभी बंद था तो हम ऊपर नहीं जा सकते थे। उसके अलावा यहाँ पे महात्मा गांधी मेमोरियल के यहाँ पे बहुत सारी तैयारियाँ चल रही थी, स्टेज बन रहा था और लोगों के बैठने के लिए भी प्रिपरेशन की जा रही थी। फिर मैं पहुँच गया बीच पे, ये है रॉक बीच पौंडीचेरी का जहाँ पे पूरा रॉक्स पिछी हुई है, पूरे ब्लैक रॉक्स हैं। कहा जाता है कि ये संगमरमर के पत्थर भी है जो क्वेरी जो डैम है, क्वेरी जो पॉन्ड बने हुए हैं वहाँ से निकाले गए पत्थर हैं। इसके बाद मैं थोड़ा आगे चला तो मुझे महात्मा गांधी का जो स्कल्पचर है वो पीछे से दिख गया, क्योंकि उसके आगे की तरफ सारी तैयारियां हो रही थी तो आगे से देखना पॉसिबल नहीं था, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन था जाना तो मैं जा नहीं पाया। लेकिन पीछे से मैंने स्टैचू को देखा और फिर मैं थोड़ा आगे निकल गया। अब मैं जा रहा था फ्रेंच कॉलोनी की तरफ। फ्रेंच कॉलोनी पौंडीचेरी का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट और सबसे ज़्यादा डिस्कवर किया जाने वाला प्लेस है। फ्रेंच कॉलोनी के अंदर एंटर करते ही रंग बिरंगे कैफे, रंग बिरंगे हॉस्टल और अलग अलग बिल्डिंग, होटल्स, रेस्टोर, बार सारे एकदम रंग बिरंगे तरीके से देखने को मिल जाते हैं। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो वाइब है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे जो सारे घर हैं वो पुर्तगाल टाइम के हैं और जो पुराने अरविंदो जी हैं उनके टाइम के बनाए गए हैं। यहाँ से थोड़ा आगे चलता हुआ मैं अलग अलग घर देख रहा था। कुछ घरों पे
अच्छे से फुलवारी की हुई थी, काफ़ी सारे पेड़, काफ़ी सारी डालियाँ लगी हुई थी, मतलब कहा जाए तो बहुत ही अलग तरीके से उनको सजाया गया था। ये सारे पुरानी स्टाइल के घर बने हुए थे, ज़्यादातर घर बहुत ही कलरफुल और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किए गए थे। आगे चलते चलते मैं वॉशिंगटन टाउन में पहुंच गया था। वॉशिंगटन टाउन भी पोर्टुगीज टाइम का है। यहाँ पे भी जो घर है, यहाँ पे भी जो डिज़ाइन है, वो सारी पोर्टुगीज टाइम की और पुराने डिज़ाइन की बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे भी सारे घर बहुत ही कलरफुल डिज़ाइन में बने हुए हैं। फिर मैंने आगे जाके CSI चर्च देखा, जो यहाँ का वॉशिंगटन कॉलोनी जो है उसका, वॉशिंगटन स्ट्रीट का है, उसका बहुत ही बड़ा चर्च है। यहाँ पे बाहर बाइबल भी रखा हुआ था कांच के अंदर। एट द एंड ऑफ द डे मैं लास्ट में, सबसे लास्ट में जो मेरा प्लेस रह गया था, जो मुझे घूमना था, वो था अरविंदो आश्रम। तो मैं चला गया अरविंदो आश्रम। वहाँ अरविंदो आश्रम उनका एक मेमोरियल बना हुआ है, जहाँ सब लोग ट्रिब्यूट देते हैं, वहाँ उनको कहा जाए तो एक श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। वहाँ पे मैंने भी श्रद्धांजलि दी और वहाँ से मैं निकल गया था फिर से अपने हॉस्टल के लिए। हॉस्टल मेरा 2 किलोमीटर था, तो मैं हॉस्टल पहुँच चुका था। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, शबा के धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।